नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन की आड़ में इस बार गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसे जायज नहीं करार दिया जा सकता है। कृषि कानून के खिलाफ कई दिनों से आंदोलन कर रहे किसान दिल्ली में लाल किले तक पहुंच गए हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली पुलिस किसानों को लाल किले तक ट्रैक्टर लाने में नहीं रोक पाई। कई आंदोलनकारी ट्रैक्टर लेकर लाल किले तक पहुंच गए हैं। ऐसा नजारा दिल्ली में पहली बार देखने को मिला है, जब सड़कों पर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिख रहा है। लाल किले तक किसानों का पहुंचना एक हैरान करने वाला नजारा है। हैरानी तब और हुई जब किसानों ने अपना झंडा लगा दिया है, जहां 15 अगस्त को प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। पहले किसानों ने प्राचीर में झंडा फहराया, फिर गुंबद पर किसान संगठन का झंडा लेना। सुबह हंगामे की शुरुआत सिंघू बॉर्डर से हुई। वहां किसानों ने सड़क पर लगाए गए बैरिकेड को तोड़ दिया और ट्रैक्टर मार्च का आगाज किया। जो किसान टीकरी बॉर्डर पर जमे थे वहां भी बैरिकेड तोड़ दिए गए। वहां जबरदस्त बवाल शुरू हुआ। किसान बैरिकेड को फांद कर दौड़ते हुए दिल्ली की ओर बढ़ने लगे। दूसरी तरफ नोएडा मोड़ पर भी खूब बवाल हुआ और टाइम से पहले ही दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले बरसाने पड़े। इसके बाद दिल्ली के कई जगहों पर उपद्रव की खबरें आने लगी। दोपहर में किसान दिल्ली बॉर्डर से आईटीओ पहुंचे। पुलिस मुख्यालय से कुछ दूरी पर किसान का गुस्सा फूट पड़ा। वहां पुलिस की बस को प्रदर्शनकारी किसानों ने ट्रैक्टर से धक्का मारा ताकि उसे सड़क से हटाया जा सके। पुलिस वाले उन्हें समझाते रहे। हालात बेकाबू होने के बाद पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।